हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मलाई कोफ्ता, जो कि एक ऐसी डिश है जो कि सबकी बहुत फेवरेट डिश होती है। आम फंक्शन में या छोटे मोटे ओकेजन के अंदर आप घर पे बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमने लिया है पनीर, ये करीब 200 ग्राम पनीर है। ये हमने घर पर बनाया, आप देख रहे हैं, इसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं कि घर में पनीर कैसे बनाया जाए। और ये मैंने लिए हैं दो आलू, आलू से जो कोफ्ते का टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये मैदा है, 4 चम्मच मैंने मैदा लिया है, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, कटा हुआ ड्राई फ्रूट है, बारीक बारीक कटा हुआ है। इसके अंदर मैंने 3-4 तरह के ड्राई फ्रूट मिक्स किए हैं, आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट कोई भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है फ्रेश मलाई, होममेड मलाई है। 2 टमाटर को मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है, और ये मैंने 2 चम्मच नमक लिया है, 2 छोटे चम्मच हल्दी और 4 चम्मच तेल। ये मैंने लिया है जीरा, 1 छोटा चम्मच हम जीरा डालेंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और तीखी नहीं होती। ये है कसूरी मेथी, थोड़ी सी हम क्रश करके कसूरी मेथी भी डालेंगे मसाले में। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये लिया है 2 प्याज, मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिए हैं, 6 काजू हैं और 5 बादाम की गिरियां हैं, 1 हरी मिर्च मैंने काट ली है, आप अपने टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च ज्यादा कर सकते हैं, और ये 7 से 8 कलियां लहसुन की हैं, थोड़ा सा ये अदरक है जो मैंने काट लिया है, इसे हमने पीसना है। सबसे पहले हम मसाला तैयार करके रख लेते हैं, क्योंकि मसाला हमने ठंडा करके पीसना, तो उसे ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये हमने हाई फ्लेम पर एक पैन रख दिया है, पैन जो है हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम नट्स डालेंगे, बादाम और काजू, हल्का हल्का इसको हम भून लेते हैं। काजू और बादाम हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इसके अंदर हमने डाल दिया हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, 1 मिनट के लिए हम प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे, 1 मिनट हो गया है। इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, 1 से 2 मिनट के लिए हम टमाटर को भून लेंगे, और इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक। ये नमक डालने से टमाटर जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, आप देख रहे हैं टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। अब हम कोफ्ते का मिक्सचर तैयार करते हैं, उसके लिए ये हमने जो पनीर लिया है इसे हम इस तरह से मैश कर लेंगे, आप चाहें तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने आलू को मैश कर लेना है, दोनों आलू हम इसके अंदर मैश कर लेंगे, और पनीर और आलू को हमने पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे आप चाहे तो ग्रेट करके डाल सकते हैं, ताकि इसके अंदर कोई भी मोटा टुकड़ा ना रहे। आप देख रहे हैं आलू और पनीर जो है वो मिक्स हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे मैदा, मैं इसके अंदर 2 चम्मच मैदा डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए, और ये 1/4 चम्मच मैंने डाली है नमक, 1/4 हल्दी, और ये मैंने करीब 1/2 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया डालेंगे, और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मिक्सचर ढीला लगे तो आप मैदा और डाल सकते हैं। ये हमारी बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, हमें इसमें और मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इस तरह दबाते हुए किनारे को एक कटोरी टाइप बना लेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। ये हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिया, इसको इस तरह से किनारे मोड़ते हुए हमने अच्छी तरह से गोल कर लेना है। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल गोल हो गया है, और इसे हमने मैदे के अंदर इस तरह से लपेट कर रख देना है। मैदे में हमने इसलिए लपेटा है ताकि ये तेल के अंदर जाते ही खुल ना जाए। इसी तरह से हमने इसको भी बना लेना है। आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट डालें, अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते तो आप खाली भी कोफ्ते फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से ये भी कोफ्ता तैयार है, इसे भी हम मैदे के अंदर लपेटते हुए रखेंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते बनाकर रख लेते हैं। कोफ्ते बनकर हमारे तैयार हैं, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, और एक एक करके हम इसके अंदर कोफ्ता डालेंगे।
आपने इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालने कि आपस में बहुत ज्यादा ना टकराएं, नहीं तो ये खुल जाते हैं। किसी भी छोटी चीज से आप इसको हिला सकते हैं, नाइफ ले सकते हैं, मैंने फोक लिया है इस तरह से। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है ताकि कोफ्ता जो है अंदर से कच्चा ना रहे। आप देख रहे हैं कि कोफ्ते जो है ब्राउन हो गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरह से हम बाकी कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इस मसाले को एक ब्लेंडिंग जार के अंदर ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि मसाला जो है वो गरम नहीं ग्राइंड करते। और अब हमारा मसाला जो है ठंडा हो चुका है, ये मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है और हम अब बाकी के कोफ्ते भी निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि कोफ्ते जो है पूरी तरह से फ्राई हो गए हैं और इस तरह से हमने कोफ्ते निकाल लिए हैं। कोफ्ते हमारे तैयार हैं, मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब हम एक पैन को दोबारा गैस पे रख के जैसे हम सब्जी बनाते हैं बहुत ही इजी वे में, वैसे ही बनाएंगे। इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल। आप चाहें तो तेल की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा मैंने तेल कम डाला है क्योंकि पहले मसाले में मैंने तेल डाला हुआ है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे जीरा। अंदाजा एक चम्मच हमने जीरा डाल दिया है इसमें। जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी, धनिया पाउडर। इसमें हम कश्मीरी मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि कोफ्ते का कलर जो है रेडिश में अच्छा नहीं लगता। ग्रेवी होती है हमारी वो वाइट ही अच्छी लगती है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा है। ये हमने पूरा मसाला निकाल लिया है हल्का सा पानी डाल के। और अब हमने इस मसाले को अच्छे से भून लेना। इसको भूनने में 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें। वैसे तो प्याज हमारे पहले भुने हुए हैं, बट मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना ही कोफ्ता जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। आप देख रहे हैं कि मसाला जो है पूरी तरह से भुना जा चुका है। मसाला इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो गया है और तेल अलग होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। हमने ग्रेवी बनानी है तो हमें थोड़ा सा पानी डालना है। पानी आप अपने हिसाब से डालें जितनी ग्रेवी आप पसंद करते हैं। और इसे थोड़ा सा बॉयल होने दें। आप देख रहे हैं कि पानी जो है पूरी तरह से बॉयल हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे मलाई और फ्लेम हमने बिल्कुल लो करके मलाई डालनी है। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे मलाई को। फ्लेम हमने मीडियम कर दी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गरम मसाला और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी क्रश करके। ये कसूरी मेथी इसे हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। इसे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। आप चाहें तो इसे रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। ये हमारी ग्रेवी तैयार है। अब मैं आपको इसके सर्व करने का ढंग बताती हूँ। हमने इस कोफ्ते को गरम गरम ग्रेवी के अंदर नहीं डालना, ये आपने ध्यान रखना है। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है और ग्रेवी हमारी तैयार है। हमने ग्रेवी को ठंडा करना है, हमने गरम ग्रेवी के अंदर कोफ्ता नहीं डालना, क्योंकि जैसे ही हम गरम ग्रेवी के अंदर कोफ्ता डालेंगे तो कोफ्ता बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, घुल जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देंगे। एक तो तरीका ये है कि हम ठंडा करके इसके अंदर कोफ्ता डाल दें। दूसरा तरीका ये है कि जब हमने सर्व करना है, जिस बर्तन में सर्व करना है, तो हमने ग्रेवी अपने पास तैयार रखनी है और कोफ्ता अपने पास तैयार रखना है। तो हम सर्विंग बाउल के अंदर इस तरह से कोफ्ता रखेंगे और ऊपर से हम ग्रेवी डाल देंगे इस तरह से। मैं आपको दोनों तरीकों से बता रही हूँ। ये हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ता तैयार है। रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही किया जाता है, ग्रेवी अलग होती है और कोफ्ता अलग होता है और इस तरह से सर्व किया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये कोफ्ता हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। और सेकंड तरीका हमारा ये है कि ग्रेवी हमारी कुछ ठंडी हो चुकी है, इसके अंदर हम कोफ्ता इस तरह से रख देंगे। हमने इसको हिलाना नहीं है। इस तरह से हम ग्रेवी को इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि बहुत पतली जो होती है ग्रेवी वो कोफ्ते में अच्छी नहीं लगती। इस तरह से हमने ग्रेवी से इसको ढक दिया है और हमने इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। ये है हमारा दूसरा तरीका। आपको जैसे भी अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ये हमारा मलाई कोफ्ता बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी ओकेजन के अंदर बनाकर सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल डिश मानी जाती है।
उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।